काफी बड़ा क्वेश्चन है, आपको आराम से समझना है। ए स्मूथ वर्टिकल ट्यूब हैविंग टू डिफरेंट सेक्शन इज ओपन फ्रॉम बोथ हैंड्स एंड इक्विप्ड विद टू पिस्टन्स ऑफ डिफरेंट एरियाज। एक स्मूथ वर्टिकल ट्यूब है, अब इसका यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। तो कुछ मान लेते हैं, मान लिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया ए टू है और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया ए वन है। प्रेशर यहाँ से भी ऊपर से लगने वाला पी नॉट है और नीचे से लगने वाला यहाँ से भी प्रेशर क्या है, पी नॉट है। स्मूथ है लेकिन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं। ठीक, ईच पिस्टन स्लाइड्स विद इन ए रिस्पेक्टिव ट्यूब सेक्शन। हर पिस्टन अपने अपने सेक्शन में स्लाइड करती है। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एनक्लोज बिटवीन द पिस्टन्स, यानी नंबर ऑफ मोल जो दिया है जो गैस के पिस्टन के बीच में फंसा हुआ है वो वन मोल है। और बिटवीन द पिस्टन टाइट विद ए नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड, थ्रेड जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द अपर पिस्टन इज डेल्टा एस 10 cm² टाइम 10 cm² ग्रेटर देन दैट ऑफ द लोअर वन। यानी आपको एक रिलेशन दिया, पहला रिलेशन आया कि ऊपर का जो एरिया है वो लोअर वाले से डेल्टा एस में ज्यादा है। द कम्बाइंड, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, द कम्बाइंड मास ऑफ द टू पिस्टन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 5 kg। कम्बाइंड मास, अगर इसका मास मैंने माना एम वन और इसका मास माने माना एम टू, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि एम वन प्लस एम टू जो है वो कैपिटल एम है, सॉरी स्मॉल एम दिया है। ठीक, और वो 5 kg दिया हुआ। ठीक, आउटसाइड प्रेशर दिया आपको पी नॉट 1 atmosphere। बाई हाउ मच केल्विन्स मस्ट द गैस बिकम गैस बिटवीन द पिस्टन्स बी हीटेड टू द शिफ्ट द पिस्टन थ्रू 5 cm। कह रहे हैं इसको कितना हम हीट करें ताकि पिस्टन्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं 5 cm एल लेंथ से शिफ्ट हो जाएं। तो अब मुझे खुद से सोच के बताओ, अगर आपने इसको गर्म किया तो गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ने की कोशिश में रहेगा, वॉल्यूम बढ़ने की कोशिश में रहेगा तो ये सिस्टम ऊपर की तरफ उठेगा। ये जो सिस्टम है वो ऊपर की तरफ उठेगा क्योंकि जब पिस्टन्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी तब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी, आराम से समझो, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा और यहाँ वॉल्यूम कम होगा, बट कम होने वाला वॉल्यूम कम है और बढ़ने वाला वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस सिस्टम को ठंडा करोगे तो पिस्टन्स कहाँ मूव करेंगे, नीचे की तरफ। ठंडा करने पे वॉल्यूम कम होने की तरफ जाएगा और गर्म करने पे वॉल्यूम बढ़ने की तरफ जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं इसको कितना गर्म कर दें ताकि एल लेंथ से ऊपर शिफ्ट हो जाइए, कितना गर्म कर दें ताकि एल लेंथ से ऊपर शिफ्ट हो जाए। ठीक, तो अब मैं ये डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ, आप आराम से समझिए इसको। यह है सिचुएशन, एक पिस्टन यहाँ है और एक पिस्टन यहाँ है आपकी। और उनके बीच में ये इनस्ट्रेचेबल थ्रेड बंधी हुई है। इसका मास मैंने माना m1, इसका मास मैंने माना m2, इसका एरिया मैंने माना a1 और इसका एरिया a2। यहाँ प्रेशर है p0 और यहाँ पे भी प्रेशर कितना है p0। स्ट्रिंग के अंदर ये जो अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा टी, और अंदर गैस भरी हुई है, वन मोल ऑफ गैस है, तो इसका कुछ प्रेशर होगा पी। ठीक, कुछ प्रेशर होगा इसका पी। अब जरा इक्वेशंस बनाते हैं। अगर हम लोअर पिस्टन पे इक्वेशन बनाएं तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो नेट अपवर्ड फोर्स जो दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है, टेंशन है प्लस पी नॉट ए है, नीचे से लगने वाला जो प्रेशर का फोर्स होगा P नॉट ए, ये होगा नेट अपवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा, एक तो इसका वेट होगा एम वन जी और एक ऊपर से लगने वाला प्रेशर होगा पी ए। ठीक, इक्वेशन वन। इसी तरह पिस्टन टू पे अगर आप देखोगे तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा, एक तो टेंशन हो जाएगा, एक इसका वेट हो जाएगा एम टू जी और एक प्रेशर का फोर्स हो जाएगा। तो इसमें जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो टेंशन है प्लस वेट है एम टू जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स है। नीचे वाला जो एरिया था वो ए वन था, तो दोनों जगह ए वन लिखेंगे हम। ऊपर वाला एरिया ए टू है, तो दोनों जगह ए टू लिखेंगे, पी टू पी नॉट ए टू। और नीचे से जो लगने वाला फोर्स होगा वो सिर्फ प्रेशर, ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो सिर्फ प्रेशर, प्रेशर का फोर्स होगा पी ए, तो पी ए टू। इक्वेशन टू, इनको थोड़ा सा सेटल करके हम अंदर का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, माइनस, या फिर आप ऐसा कीजिए टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो टी की चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो टी की वैल्यू आपको आ रही है एम वन जी प्लस पी ए वन माइनस पी नॉट ए वन।
ये टी की वैल्यू आ गई। और क्या लिखा हुआ है, प्लस एम टू जी लिखा हुआ है, प्लस पी नॉट ए टू लिखा हुआ है, इज इक्वल टू पी ए टू बन जाएगा ये। अब ये एम वन जी और एम टू जी, ये तो टोटल वेट हो गया, एम जी बन गया, ठीक है। और पी नॉट ए टू यहाँ है और माइनस पी नॉट ए वन यहाँ है, तो प्लस पी नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए टू माइनस ए वन। इसी तरह से इस पी को अगर हम उस तरफ भेज दें दूसरी साइड में, तो पी कॉमन लेके आ जाएगा ए टू माइनस ए वन। अभी ए टू माइनस ए वन डेल्टा एस दिया था उन्होंने, दोनों पिस्टन के एरिया का डिफरेंस दिया था डेल्टा एस। तो अगर हम डेल्टा एस से पूरे को डिवाइड कर दें तो अंदर का प्रेशर मिल गया आपको पी नॉट प्लस एम जी अपॉन डेल्टा एस। तो एक रिलेशन तो हमने ये फाइंड कर लिया कि अंदर का प्रेशर जो है वो कैसे वेरी कर रहा है। अब इसको आप गौर से देखो इस रिलेशन को, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट, दोनों पिस्टन का मास कांस्टेंट, दोनों पिस्टन के एरिया का डिफरेंस कांस्टेंट, यानी अंदर का जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आप उसको हीट अप करो, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जो भी होगा, बट प्रेशर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये जो प्रोसेस होने वाली है ये आइसोबारिक प्रोसेस होने वाली है, ठीक। पी वी इक्वल टू एन आर टी में वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। पी वी इक्वल टू एन आर टी में वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। ये वो प्रोसेस होने वाली है। तो अगर हम इसको हीट अप करें तो प्रेशर तो रहेगा कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम बढ़ेगा, डी वी इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स वन दिए हैं वैसे तो आपको आर, और ये टेंशन नहीं है, टेंशन ये था, ठीक है। ये टेम्परेचर है तो इसका टेम्परेचर का चेंज डी टी। तो आपसे टेम्परेचर का चेंज ही पूछा है। अच्छा जरा देखते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज वगैरह देखते हैं। पी की वैल्यू आपको पता है, इन सारी वैल्यू को पुट कर दोगे आप, एम जी एम पता है आपको, डेल्टा एस पता है, पी नॉट पता है, सब कुछ पता है, पी मिल जाएगा आपको, ठीक है, पी पता है आपको। डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम एल ऊपर शिफ्ट करेगा तो वॉल्यूम बढ़ कितना गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया ए टू एल, और कम कितना हो जाएगा ए वन एल, तो नेट में कितना बढ़ गया ए टू माइनस ए वन एल। तो जो डेल्टा वी है वो आपका बनेगा एल टाइम्स ए वन ए टू माइनस ए वन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वन है इंटू आर इंटू डी टी, आपको निकालना ही है डी टी या डेल्टा टी, जो टेम्परेचर डिफरेंस हो तो आपको निकालना ही है। तो डी टी जो आ रहा है या जो डेल्टा टी आ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस, वो आपका आ रहा है पी अपॉन आर इंटू एल इंटू डेल्टा एस। अब आप चाहो तो पी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये एल अपॉन आर मैंने यहाँ रखा है, डेल्टा एस भी यहाँ रखा है, और ये पी की वैल्यू पुट कर दिया, पी नॉट प्लस एम जी अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बन गया आपका एल बाई आर, ये हो जाएगा पी नॉट डेल्टा एस प्लस एम जी। इतना टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, एल है, आर, सब कुछ है आपके पास, सारी वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिलेगा, क्लियर।